स्वागत है सबका पूनम सिंह रेसिपी में। हरे कृष्णा सभी को। मैं पूनम आज बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा, पनीर मसाला डोसा और आलू मसाला डोसा। उसके लिए हम चावल फुला देंगे, तो हम 3 गिलास चावल ले लेंगे। एक ग्लास हम ले लेंगे उड़द का दाल, एक बाउल हम ले लेंगे पोहा चूड़ा और एक चम्मच बड़ा वाला चम्मच से हम ले लेंगे मेथी दाना। सबको हम अच्छी तरह से वॉश करके और 4 से 5 घंटा तक इसको हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। चूड़ा हम आधा घंटा पहले फुलाएंगे, बैटर पीसने के आधा घंटा पहले इसको हम फुलाएंगे। सबको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फुलने के लिए रखेंगे। सारा हम वॉश कर लिए, 7 से 8 घंटे तक हम फुला दिए थे चावल, हाफ बॉयल चावल और उड़द के दाल को। और इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना। उड़द का दाल हम चावल में मिला दिए हैं सर एक साथ, उसी में हम डाल देंगे एक बाउल पोहा जो अभी हम आधा घंटा पहले इसको पानी में डाले हैं। सारा हम मिला लेंगे, उसके बाद अब इसको हम जार में डाल के और पीसेंगे। हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है डोसा का। बैटर को हम पीस लिए हैं, देखिए बिल्कुल जितना दरदरा हमको चाहिए उतना दरदरा हम पीस लिए हैं। अब उसको हम निकाल देंगे बड़ा डेक्ची में, क्योंकि फर्मेंटेशन होगा तो बड़ा बर्तन चाहिए, इसलिए हम बड़ा बर्तन ले लिए हैं। इसमें हम रख दिए, हम इसी तरह सारा बैटर तैयार कर लेंगे। डोसा का बैटर पीस कर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम 1.5 चम्मच या आप अपना जितना हिसाब हो स्वाद के अनुसार नमक इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और 7 से 8 घंटा तक इसको ढककर फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। बिल्कुल परफेक्ट घोल है। इस घोल से हम डोसा और इडली दोनों चीज़ तैयार कर सकते हैं। इडली का बैटर तैयार हो गया है हमारा। डोसा और इडली सबका बैटर एक जैसा ही होता है, देखिए कितना अच्छा जाली जाली हुआ है। अभी सबको हम डाल देंगे इडली स्टैंड में। इसको हम तेल से ग्रीस कर लेंगे पहले और हम इसमें घोल सब डालेंगे। ऐसे ही उठा, ज़्यादा हमको फेंटना नहीं है बैटर को। इडली स्टैंड में पानी गर्म हो चुका है, इसको पहले से ही हम पानी गर्म करने के लिए रख दिए थे। अब इसमें हम सारा इडली स्टैंड डालेंगे, एक एक करके हम सारा इसमें डालते जाएंगे। और इसको हम इसके ढक्कन से ढक देंगे और 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे कि हो गया है कि नहीं इडली। इडली चेक करते हैं कि तैयार हुआ कि नहीं। थोड़ा सा और होगा, थोड़ा सा लग रहा है अभी चाकू में। थोड़ा सा चाकू में अभी लगा हुआ है,
दो मिनट के लिए और ढक देते हैं। देखते हैं अब इडली तैयार हुआ कि नहीं। अब परफेक्ट तैयार हो गया। देखिए चाकू में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, सर्व करके आप लोग को दिखाते हैं। अब बनाएंगे हम डोसा। तो उसके लिए हम तवा गर्म कर लिए हैं और तेल ड्रिप करेंगे पानी मारकर। चोखा हम पहले ही तैयार कर लिए थे, इसकी रेसिपी हम डाल देंगे, पहले भी बनाए हुए हैं, लिंक में डाल देंगे हम इसका लिंक। डोसा का हम बैटर डाल रहे हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें ज़्यादा प्रेस करके नहीं फैलाना है, नहीं तो सिमट जाएगा। देखिए अब इसमें हम तड़का तेल डाल देंगे दो चार बूंद के बाद। और जो किनारे थोड़ा सा मोटा फैल गया है उसको हम छोलनी की सहायता से पतला कर देंगे। कुछ बूंदे हम तेल का ऊपर से भी डाल देंगे। ये देखते हैं पूरा अपने से किनारे किनारे छोड़ दिया है डोसा, क्रिस्प डोसा तैयार है। देखिए इसे इसका चोखा भी हम तैयार किए हुए हैं, तो सब सर्व करके हम दिखाते हैं आप लोग को। तो चलिए हम सर्व करते हैं आप सबके लिए केला के पत्ता पे इडली डोसा और सांभर। तो सबसे पहले हम ले लेंगे डोसा का चोखा जो हम बनाए थे। अब हम डालेंगे टमाटर की तीखी वाली चटनी, इस पर जाएगा दही का चटनी, दही मूंगफली और चना दाल की चटनी। इस पे हम डालेंगे डोसा, अब जाएगा इस पर इडली, और ये रहा सांभर। तो कैसी रही मेरी इडली डोसा सांभर की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी मज़े लेकर खाइए।